हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक की नरेटिव चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतेश। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा और आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 9-10th इंग्लिश का जो आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन हुआ है कल, इसका कितना कट ऑफ जा सकता है और एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद आप सभी लोगों के माइंड में बहुत सारे अलग अलग डाउट थे, वो सारे कंसेप्ट और वो सारे डाउट आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे और मुझे एक मोटिवेशन आप सभी लोगों के तौर से मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद हमारे माइंड में आता है कि हमने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो हमारे सही हैं, या फिर हमारे जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पेपर क्या था, हमारा जो पेपर था वो टफ था, बाकी सबका जो है कि इजी था, हमारा ही जो है कि पेपर टफ था। ऐसा आप सभी लोग सोचते हैं, बट वाक्य में इंग्लिश का जो पेपर है 6-8 का भी टफ था, 9-10 का भी टफ था, 11-12 का पता नहीं आज एग्ज़ाम हो रहा है, बट मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो हम सोच के गए थे इंग्लिश में 6-8 में चाहे 9-10 में, टीचर भी इसके पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं करा पाए हैं, क्योंकि ये पूरा लिटरेचर से पूछा गया है और लिटरेचर में एक गलती यानी कि पूरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हर एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि टफ थे और क्वेश्चन नहीं सही हुए। मैंने एक कैंडिडेट से नहीं, एग्ज़ाम सेंटर पर बहुत सारे कैंडिडेट से बात किया, सभी का यही कहना है कि पेपर का लेवल मॉडरेट नहीं, टफ टू हाई, हाई टू टफ देखने को मिला है, मॉडरेट का तो गोली ही मारी है, टफ पेपर देखने को मिला है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनसे मेरी बात हुई, क्योंकि ये एक इंग्लिश है, लिटरेचर है, ग्रामर कम पूछ करके आप सभी लोगों का लिटरेचर पूछ दिया गया है। अब लिटरेचर में बहुत सारे कैंडिडेट ने वहाँ से क्वेश्चन तीन के कम अटैम्प्ट होते हैं और उसके बाद जो मैंने आप सभी लोगों से पूछा भी था, एक दर कैंडिडेट का ये कहना था कि आप सभी लोगों का 32% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं पेपर टफ था, क्योंकि टफ आपको ही नहीं लग रहा है, सभी को टफ लगा है। तो यानी कि आप सभी लोगों का सीधी बात है कि अगर पेपर का लेवल टफ जाता है तो आप सभी लोगों का जो कट ऑफ है क्या जाएगा, डाउन जाएगा पिछली बार की तरह। क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बता दूं यहाँ पर से वे कैंडिडेट जो आगे निकल सकते हैं वो कैंडिडेट है जिनका यहाँ से जीएस पेपर थोड़ा सा भी अगर ठीक हो गया होगा, यानी कि 25+ क्वेश्चन अगर सही हो गए होंगे तो उनका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उधर से जो 80 क्वेश्चन थे आप सभी लोगों के, 80 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन सही करने में हालत ख़राब हो गया है बहुत सारे कैंडिडेट का, और 55 क्वेश्चन यहाँ से और वैसे कैंडिडेट जो कि अगर वहाँ से 25 मार्क्स लेकर के आ जाते हैं तो अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 80 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं आप सभी लोगों के, तो ये टॉपर हो गया। 80 मार्क्स के ऊपर जिसके आ रहे हैं वो टॉपर, क्योंकि भैया पेपर का लेवल इस बार बहुत टफ था। अब वैसे कैंडिडेट होंगे जो 11-12 की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों का कहीं पेपर इजी लगा होगा वो अलग बात है, बट 9-10 के लेवल के हिसाब से आप सभी लोगों का पेपर टफ था, जिसके अकॉर्डिंग आप सभी लोगों का कट ऑफ जो है कि बिलो जाएगा, ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। और जो भी टीचर यूट्यूबर ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, मान लीजिए उनको नहीं पता है, उनने पेपर को एनालिसिस नहीं किया है, किसी से बातचीत नहीं किया है, सीधे मुँह उठा के आ गए और यूट्यूब पर वीडियो बना डाला। बट आप सभी लोगों को पता होना चाहिए बीपीएससी TRA 2.0 TRA 1.0 इन सभी वीडियो में मैंने आप सभी लोगों का हेल्प किया, आप सभी लोगों ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है, एक फैमिली क्रिएट कर दिया आप सभी लोगों ने, और मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे मेहनत करके के कट ऑफ एकदम वेरीफाइड करके आप सभी लोगों के लिए बताता हूँ, जिससे जो है कि हर एक एग्जामिनेशन में जब रिजल्ट आता है आप सभी लोगों का तो सेम रहता है। अब बात कर लेते हैं कि आप सभी लोग इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए अब पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार का कट ऑफ निकाल नहीं सकते, क्योंकि कट ऑफ निकालने के अलग अलग फैक्टर होते हैं, पिछली बार कम वैकेंसी थी, इस बार ज़्यादा वैकेंसी हो सकती है, पिछली बार का लेवल कैसा था, पिछली बार कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए थे, इस बार 94% कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए हैं, तो सभी के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, तो हम लोग पिछले के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते हैं। इसके लिए पेपर को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी सब्जेक्ट का कट ऑफ निकालने के लिए। अगर हम लोग बात करें UR के बारे में तो मैं आपको बता दूँ आप सभी लोगों का जो UR का जो कट ऑफ है वो जो है कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 75 से लेकर के 80 के आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। अब जो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कितना ही जाएगा, इससे आप लोग 5 नंबर कम या फिर 5 नंबर ज़्यादा भी अगर आप सभी लोग लेके आ रहे हैं तो आप सभी लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप सभी लोगों का 5 नंबर कम भी है तो आप सभी लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, आप सभी लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, वेट कीजिए आंसर की। अगर हम लोग बात करें UR फीमेल के बारे में तो UR फीमेल का जो कट ऑफ है वो
73 से लेकर के 76 के आसपास जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अगली कैटेगरी आप सभी लोगों की, EWS। EWS का जो कट ऑफ है आप सभी लोगों का 68 से 73 के आसपास देखने को मिलेगा। EWS फीमेल का जो कट ऑफ है आप सभी लोगों का 65 से लेकर के 70 के आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। अगली कैटेगरी है आप सभी लोगों की BC। BC में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों का जो कट ऑफ है वो 69 से लेकर के 74 के आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा, और BC फीमेल का जो कट ऑफ है वो 67 से लेकर के 70 के आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। अगला कैटेगरी आप सभी लोगों का ABC। ABC में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों का जो कट ऑफ है 61 से लेकर 63 के आसपास देखने को मिलेगा, और ABC फीमेल की बात करें तो 59 से लेकर के आप सभी लोगों को 62 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगा। अगली कैटेगरी आप सभी लोगों की SC। SC में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों का जो कट ऑफ है 55 के आसपास देखने को मिलेगा, 55 के 60 के आसपास देखने को मिलेगा, और SC फीमेल की बात करें तो 50 से 55 के आसपास आप सभी लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगा। अगली कैटेगरी आप सभी लोगों की ST। ST में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 50 से 55 के आसपास देखने को मिलेगा, और ST फीमेल का जो कट ऑफ है 45 से 50 नंबर के आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो मैंने आप सभी लोगों को कट ऑफ बताया है, ये पूरा पेपर कैलकुलेट करने के बाद, पेपर का लेवल कैसा था ये सब देखने के बाद, चारों क्राइटेरिया देखने के बाद, आप सभी लोगों से पेपर का लेवल पूछने के बाद, मैंने आप सभी लोगों के लिए कट ऑफ कैलकुलेट किया। अगर आप सभी लोगों को इसके अंदर कोई भी डाउट लगता है तो आप सभी लोग फर्दर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आप सभी लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए हैं और पेपर का लेवल आप सभी लोगों के अकॉर्डिंग कैसा था। ठीक है, फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।